आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। नगर परिषद सुंदर नगर द्वारा जारी तुगलुकी तानाशाही फरमान, जिसमें बच्चों को जवाहर पार्क ग्राउंड में खेलने से रोका गया था, के खिलाफ प्रशासन को अवगत करवाया गया तथा इस फरमान को शीघ्र वापस लेने को लेकर पंडित अरुण प्रकाश के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। धन्यवाद। कल ही हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला था कि नगर परिषद सुंदर नगर के द्वारा एक फरमान, एक सूचना जारी की गई है, जिसमें बच्चों को खेल के मैदान जौहर पार्क ग्राउंड में जाने से रोका गया है। उनके अगर कोई बच्चा जौहर पार्क में खेलता हुआ पाया जाता है तो उससे 5,000 रुपये का जुर्माना और उसका जो भी खेल का सामान है सारा जब्त कर लिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये एक फरमान तुगलकी फरमान तानाशाही फरमान नगर परिषद के द्वारा जारी किया गया है। आज कांग्रेस लीगल सेल सुंदरनगर के द्वारा SDM सुंदरनगर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये मांग की गई कि तुरंत इस तानाशाही फरमान को, नोटिस को वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में जो अगर ये फरमान नगर परिषद की मीटिंग में पार्षदों के द्वारा जारी किया गया है तो पार्षदों का घेराव किया जाएगा। अगर कार्यकारी अधिकारी के द्वारा ये जारी किया गया है तो कार्यकारी अधिकारी का भी इसमें घेराव किया जाएगा। हम खुद वकील लोग ग्राउंड में जाकर खेलेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन नगर परिषद का अधिकारी हमारा सामान जब्त करता है और हमें फाइन डालता है। माननीय SDM ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि तुरंत ही इस फरमान को वापस ले लिया जाएगा।